हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की जो रेसिपी है ये हमारी चिकन बिरयानी है, लेकिन दो फ्लेवरों से मैंने इसको बनाई है, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट टाइप की आपकी बिरयानी है, दो फ्लेवरों वाली। आपको एक ही बिरयानी में इसका टेस्ट मिल जाएगा दो फ्लेवर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में रिफाइंड ऑयल लिया था और इसमें मैंने ये चॉप की हुई ऑनियन इसमें ऐड करके अब इनको हमें इन सारी ऑनियनों को फिर हमें अच्छे से फ्राई करनी है। तो अब ये सारी ऑनियन को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई तक। अब इसको हम रखते हैं, कुक होने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने ये हाफ के जी चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसमें दो से तीन चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट और 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और पिसा हुआ ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और इसमें ये हल्दी पाउडर ऐड किया है, और टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और अब इसमें धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और फिर इसमें हमें दही भी ऐड करना है। और इसमें दही ऐड करने के बाद में हमें फिर फूड कलर भी ऐड करना है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, और अब इन सब को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सारे मसालों को आप चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और खूब अच्छे से मसल कर सारा मसाला आपको चिकन में अच्छी तरीके से ये मिक्स करके और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिएगा। अब ये देखिए हमने अपना चिकन रख दिया है 10-15 मिनट के लिए। इधर अब ये ग्रीन वाले चिकन का हमें मसाला बनाना है, तो मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं और हरी मिर्च ली है, और ये मैंने धनिया पत्ती भी ली है। इसको अच्छे से तरीके से मैं सबको वॉश कर लिया था, और अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी ले लीजिएगा। अब इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। इधर देखिए हमारी ये प्याज भी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गई है। तो ये सारी प्याज जब अच्छी तरीके से हमारी एकदम फ्राई हो जाएगी ब्राउन कलर की, तो इन सारी प्याज को आपको बाहर निकाल लेना है, और निकाल के फिर इस प्याज को हमें अच्छी तरीके से फैला लेना है। अब इधर हम ये ग्रीन वाले चिकन का ये बनाते हैं मसाला। तो अब इसमें मैंने चिकन में फिर थोड़ा सा दही डाला है, और 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक का पेस्ट, 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा घर की मलाई डाल दी थी, और जो हमने ये पेस्ट तैयार किया था हरी मिर्ची और धनिया पत्ती का, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है ग्रीन वाला, और इसमें थोड़ा सा हमने अपना टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड किया है। तो अब इन सब को अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो आप खाली धनिया पत्ती और ही पीस के आप इसमें मिला सकती हैं, तो लेकिन मेरे पास ग्रीन कलर था तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला के रख दिया है। तो ये देखिए दोनों कलर के चिकन हमारे बनकर रेडी हैं। अब इधर मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची ऐड की है, नमक उसमें ऐड किया है, और मैंने 3 से 4 चम्मच उसमें नींबू का रस भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 से 3 दालचीनी ऐड करी है, और उसके बाद में फिर मैंने 5 से 6 इसमें छोटी इलायची ऐड करी है, और इसके बाद में फिर ये मैंने चक्री फूल जिसे स्टार फूल कहते हैं 2-3 वो मैंने उसमें ऐड कर दी है, और 2 मैंने जावित्री फूल का 2 टुकड़े डाल दिए हैं, और इसमें मैंने ये 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी है, और ये मैंने कुछ इसमें काली मिर्च ऐड करी है, और उसके बाद में ये 8 से 10 मैंने इसमें लौंगे डाल दी हैं। अब ये 4 से 5 तेज पत्ते डालने के बाद में फिर इसको मैंने ढक के रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। अब जब पानी गर्म हो जाएगा तो ये मैंने इसमें ये सैले चावल जो मैंने भिगो के रखे थे पहले से वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और पकने के लिए इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब इधर मैंने एक जिस बॉल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी बॉल में फिर मैंने ये रेड वाला चिकन इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से हमें इसको कुक करना है, तो खूब अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें दही है तो वो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसलिए इसको मतलब तेज फ्लेम में आपको कुक करना है। तो इसको मैंने ये कुक होने के लिए इस रेड वाले चिकन को अच्छे से ये रख दिया है। तो अब इधर एक साइड में मैंने रेड चिकन रख दिया है कुक होने के लिए, और इधर एक साइड में मैंने
ये ग्रीन वाला चिकन को भी ये ऑयल गरम किया और इसमें फिर मैंने ये ग्रीन चिकन भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो अब आप इसको मैंने एक साइड में ग्रीन चिकन भी रख दिया है कुक होने के लिए ताकि हमारी ये बिरयानी जल्दी बन जाए फटाफट। तो मैंने इधर दोनों साइड में ये एक तरफ रेड वाला एक तरफ ग्रीन वाला दोनों चिकन रख दिया है कुक होने के लिए। इसको भी आप ऐसे ही तेज़ आँच में पकने दीजिएगा। इधर देखिए हमारे रेड वाले चिकन ने इस सारा ये जितना भी है तेल रिलीज कर दिया है। तो इसको खूब अच्छे से आप ऐसे चलाते रहिएगा और उसके बाद में अब ये देखिए जितना तेल है ये ऊपर आ गया है हमारा। तो धीरे धीरे करके हमें ये सारा तेल ना इसको निकाल लेना है। तो मैंने इसका तेल ना एक बॉल में निकाल लिया है, इसको हम लेयर लगाने में यूज़ करेंगे। और इधर ये देखिए हमारा ये जो ग्रीन चिकन है तो इसने भी बहुत सारा पानी रिलीज कर दिया है। ये दही हमने क्योंकि इसमें ऐड किया था तो दही का पानी था। तो अभी देखिए इसको भी हम अच्छी तरीके से तेज फ्लेम में कुक कर दिए हैं। तो इसका भी अब तेल जितना भी था वो रिलीज़ हो गया है। तो इसके भी तेल को हमें ना एक बॉल में निकाल लेना है। तो ये सारा जितना भी इसका ऑयल है ऊपर ऊपर तो इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है लेयर लगाने के लिए। अब इधर चलिए हम लोग लेयर लगाते हैं क्योंकि हमारे वहाँ चावल भी कुक हो गए हैं। तो अब इधर एक बॉल में मैंने पहले ये सारा रेड कलर का जो चिकन है उसको मैंने निकाल लिया है। तो अब इसकी हम पहले लेयर लगाएंगे रेड चिकन से। तो सारे रेड वाला चिकन अच्छी तरीके से फैला देंगे और उसके ऊपर से वही जो हमने ऑयल निकाला था उसको भी अच्छे से फैला देंगे। और उस ऑयल को भी इसमें जब फैला देने के बाद में जो हमने अपने चावल कुक किए थे तो ये चावल हमारे 90% कुक हैं। तो इन चावलों को भी अच्छे से रेड चिकन के ऊपर अच्छे से आपको फैला देना है। अब इसके ऊपर चावलों के ऊपर ये थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है और बिरयानी मसाले के बाद में जो हमने प्याज फ्राई की थी उसको भी हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। अब प्याज जब हमारी फैल जाएगी फिर उसके बाद में हमें ये जो हमने ग्रीन चिकन का जो बनाया था ये चिकन, तो अब इस ग्रीन चिकन को भी हम अच्छी तरीके से पूरे ऊपर में चावलों के ऊपर में अच्छी तरीके से फैला देंगे। और इसके बाद में इसमें जो हमने ऑयल निकाला था वो भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसके बाद में फिर जो बाकी के हमारे चावल हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से ऊपर में फैलाएंगे। तो चावलों की मैंने दो लेयर लगाई है। तो लास्ट में ये देखिए जो चावल की लेयर लगाई है, फिर इसके ऊपर मैंने फिर से बिरयानी मसाला और ये फ्राई की हुई ये प्याज अच्छी तरीके से फैला दी है। और बस इसमें हमें सिर्फ केवड़ा वाटर ऐड करना है। तो अभी पहले मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड किया है, इससे बिरयानी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो घी ऐड करने के बाद में सिर्फ इसमें आप केवड़ा वाटर ऐड कीजिएगा। इसमें फिर कोई फूड कलर ऐड नहीं होता है क्योंकि हमारे फूड कलर पहले से ही हमने ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने दम में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद दम में थोड़ी देर रखने के बाद में फिर मैंने इन सब चावलों को इन में पीसों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो क्योंकि ये हमारा रेड और ग्रीन कलर के चिकन के पीस हैं तो इसमें मैंने कोई भी फूड कलर नहीं ऐड किया है, बस इन पीसों का ही कलर इन चावलों में आ जाएगा। तो इनको आप अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर से दम में रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए। तो मैंने फिर से दम में रख दिया था। तो अब ये देखिए हमारी ये डबल टेस्ट वाली बिरयानी बनकर रेडी है। तो इसमें आपको इस बिरयानी में डबल टेस्ट मिलेगा। तो चिकन के फ्लेवर का दो डबल टेस्ट का टेस्ट की ये बिरयानी है। तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस बिरयानी में दो मसालों को आपको टेस्ट मिलेगा, एक ये स्पाइसी मसालों का और एक एकदम लाइट मसालों का। तो ये डबल टेस्ट वाली बिरयानी आप लोग भी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।